जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बाइसेप मसल्स से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओरिजिन, इंसर्जन, फंक्शन, ये सारी जानकारी विद मोशन मैं आपको बताने वाला हूँ बाइसेप मसल्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बाइसेप मसल पर। बाइसेप मसल्स होता क्या है और कहाँ पर होता है? बाइसेप मसल्स को हम बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक जो नेम होता है उसको हम बोलते हैं बाइसेप्स ब्रैकी। ये बाइसेप ब्रैकी कहाँ पर होती है? ये होती है आपकी जो ह्यूमरस जो बोन होती है, ह्यूमरस बोन के ऊपर वाली जो मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं बाइसेप ब्रैकी। और बाइसेप ब्रैकी को मैंने दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट हेड और एक होता है लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड मींस बाइसेप ब्रैकी, लॉन्ग हेड मींस बाइसेप ब्रैकी, इन दोनों को मिला दूंगा तो भी बाइसेप ब्रैकी। अब ये मसल जो होती है इसी को हम बोलते हैं बाइसेप मसल्स। अब शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड या कॉमन बोल सकते हैं बाइसेप मसल्स का ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन मींस उत्पत्ति कहां से होती है? तो मैं बात करूं, हमारा जो शॉर्ट हेड होता है और जो लॉन्ग हेड होता है, शॉर्ट हेड की मैं बात करूं तो शॉर्ट हेड मेरा ये वाला है, ये जो पूरी मसल्स दिख रही है, इस मसल्स की मैं बात करूं तो शॉर्ट हेड का जो ओरिजिन होता है वो है मेरा कोराकोइड प्रोसेस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब कोराकोइड प्रोसेस कहाँ पर है? आपके स्कैपुला, या उसको हम स्कैपुला ऑप्शन नहीं है तो हम शोल्डर कॉमन बोल सकते हैं, वैसे ये स्कैपुला का पार्ट है। मैं दोनों क्वेश्चन बता रहा हूँ। कोराकोइड प्रोसेस जो है ये आपका स्कैपुला का पार्ट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब ये है शॉर्ट हेड। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग हेड, ये है हमारा लॉन्ग हेड। लॉन्ग हेड का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं सुप्रा ग्लेनोइड। सुप्रा ग्लेनोइड ये जो है हमारा लॉन्ग हेड है। आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, एक इजी वाला बनता है, एक टफ वाला बनता है। तो कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कोराकोइड प्रोसेस से बाइसेप मसल्स का ओरिजिन होता है। बाइसेप मसल नहीं होगी तो बाइसेप ब्रैकी होगी, थोड़ा सा उसके अंदर डेप्थ में चला जाएगा। ये दोनों जो हेड होते हैं वो आपके शोल्डर, शोल्डर जो है एक कॉमन वर्ड बोल रहा हूँ, ये कोराकोइड प्रोसेस एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। सुप्रा ग्लेनोइड प्रोसेस ये भी आपका पर्टिकुलर नाम है। यहाँ से मसल्स का ओरिजिन होता है और यहाँ से ये पूरी बाइसेप जो मसल्स है, एक प्लेस आता है एल्बो का जॉइंट होता है, वहां से आगे एक प्लेस है, उस प्लेस को हम बोलते हैं ओरिजिन के बाद आता है हमारा इंसर्जन। इंसर्जन, इंसर्जन मींस होता है यहां पर जो मसल्स जाके अटैच होती है, जुड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं इंसर्जन। तो यहां पर ये मसल्स आप जुड़ गई, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल ट्यूबरोसिटी। यहां से निकली शोल्डर वाले पार्ट से एल्बो का जॉइंट होता है उससे थोड़ा सा आगे चलकर ये अटैच हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। और ये अटैच जो होती है वो होती है किस मसल्स में? रेडियल ब्रैकलिस, वहां पर जाके ये इंसर्जन हो जाती है, और रेडियल ब्रैकलिस मसल्स में जाके ओरिजिन आपको पता चल गया कहाँ से होता है, इंसर्जन हो गया। अब बात आती है मूवमेंट की, कि मूवमेंट कौन सा होता है। मूवमेंट्स की मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी में हम बात कर रहे हैं किसकी? फोर आर्म की। और फोर आर्म में हम बात कर रहे हैं पूरा एक हाथ समझ लो, या उस बाइसेप मसल्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपको समझना है पूरे एक हाथ की हम बात कर रहे हैं। हाथ में हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, हम एक मसल्स ली थी हमने जिसका नाम था बाइसेप मसल्स। ये बाइसेप मसल जो होती है ये आपका फ्लेक्सन मूवमेंट करवाती है।
फ्लेक्शन मूवमेंट। कौन सी मसल? बाइसेप मसल। अब फ्लेक्शन क्या होता है ये आपको समझना है, फ्लेक्शन क्या होता है। अभी ये आप देख सकते हैं, ये दोनों हाथ, इनके हाथ में एक रॉड लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं कर्ल। ये आप देख सकते हैं, ये कर्ल एक्सरसाइज कर रहा है रॉड के साथ में, मतलब बाइसेप मसल्स को बिल्डअप करने की ये एक्सरसाइज कर रहा है कि उसका साइज इंक्रीज हो जाए। तो आप देख सकते हैं जब इसके हाथ नीचे हैं, जब ये हाथ को ऊपर लेकर जा रहा है तो एंगल जो है हमारे एल्बो जो बोन है, एल्बो जो जॉइंट है, ये एल्बो, इस एल्बो जो बोन के जॉइंट को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट बोलते हैं हम, ये जॉइंट जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में अपना वर्क करता है, जिसको हम बोल सकते हैं मैंने हिंज जॉइंट में इसको फ्लेक्स करवाया। अब फ्लेक्स क्या होता है? फ्लेक्शन मीन्स होता है आपका जो एल्बो जॉइंट है उसमें जो एंगल जो बनता है, एंगल जो बनता है वो डिक्रीज हो रहा है, डी फॉर डिक्रीज, एंगल का कम होना, एंगल का कम होना, डिक्रीज, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन मूवमेंट। अब एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मींस होता है जो हमारी एल्बो है उसमें एंगल जो होता है, कोण जो होता है उसका, जो है जॉइंट के अंदर जो एंगल जो बनना था वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आप देख सकते हैं मैं इसको नीचे लेकर जा रहा हूं, ये नीचे लेकर गया तो यहां पर जो मेरा एंगल जो बनेगा, एंगल यहां, वो मेरा एंगल बढ़ गया, मतलब कोण बढ़ गया। अब ये कोण बढ़ गया, ये हो गया आपका एक प्रॉपर एक एंगल बनना, जिसको हम बोल सकते हैं 180 का आपका कोण बन गया। अब मैं इससे बोलता हूं कि बाइसेप्स कर्ल को ऊपर लेकर जाओ, ये ऊपर लेकर जा रहा है तो मेरा एंगल कम हो गया, किसके बीच में? जो हमारी रेडियस और अल्ना बोन और ह्यूमरस बोन के बीच में जो एंगल जो बनना है वो जो है कम हो गया। तो एंगल कम हो गया तो यहाँ पर इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लेक्शन मूवमेंट। तो इस तरीके से इसकी पहचान करते हैं, ये हमारा फ्लेक्शन मूवमेंट। उसके बाद हम आते हैं इस मूवमेंट को कराने के लिए उसकी असिस्ट मसल्स कौन सी है। असिस्ट मींस होता है जो हेल्प करवाती है उस मूवमेंट को। ये मैंने इसको यहाँ पर पॉज कर दिया, ये आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा सा एक अलग मसल दिख रही होगी आपको, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट मसल। सिनर्जिस्ट मसल्स का मतलब होता है असिस्ट मसल, जो आपके मूवमेंट को कराने में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट मसल्स। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाइसेप्स की सिनर्जिस्ट मसल्स कौन सी है, तो आपको पता है रेडियल ब्रैकलिस, ये जो मसल्स है ये है आपकी सिनर्जिस्ट मसल। सिनर्जिस्ट मींस क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं असिस्ट मसल्स, जो कि मूवमेंट्स को हेल्प करवाती है। उसके बाद था हमारा ये जो मसल्स होती है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है बाइसेप्स वाला, उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मींस होता है जो फर्स्ट मूवर होती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर जस्ट उसके पीछे होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइसेप्स मसल। ट्राइसेप्स मसल इसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, ये जो एगोनिस्ट होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब सिकुड़ती है, और एंटागोनिस्ट होती है ये आपकी फैलती है, ये रिलैक्सेशन पोजीशन में आती है, रिलैक्सेशन पोजीशन में आती है। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना।
चुनिए टारगेट एकेडमी को और करे अपने बीपीएड एंड एमपीएड का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।